हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल क्रैक एग्ज़ाम्स। दोस्तों आज है 16 अप्रैल 2020। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे करंट अफेयर्स की। गाइज, यदि आप हमारे चैनल पे आज पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन को हिट करें ताकि आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएँ। दोस्तों आज के हमारे करंट अफेयर्स में जो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है वो ये है, फ्री टू एयर DTH चैनलों पर लाइव काउंसलिंग सेशन का प्रसारण कौन करेगा। तो फ्री टू एयर DTH चैनलों पर लाइव काउंसलिंग सेशन का प्रसारण करेगा NIOS। अब जानते हैं कि NIOS क्या है। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, यानी कि जैसे कि आप जानते होंगे इग्नू है, बहुत सारे ऐसे ओपन यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो इसी तरह से ओपन स्कूल्स भी होते हैं। तो लॉकडाउन के कारण छात्रों को जो परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तो उन लोगों के लिए ही फ्री एयर DTH चैनलों पर लाइव काउंसलिंग सेशन चलाया जा रहा है। तो आपको इसका फुल फॉर्म याद रखना है, NIOS का, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। चलिए चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। पर्यटन मंत्रालय ने हाल ही में एक वेबिनार श्रृंखला की शुरुआत की है, उसका नाम क्या है। तो पर्यटन मंत्रालय के द्वारा जो वेबिनार श्रृंखला की शुरुआत की गई है उसका नाम है #देखो अपना देश, #देखो अपना देश। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, COVID-19 नमूनों की पूल टेस्टिंग करने वाला पहला राज्य कौन सा है। तो ये राज्य है UP, यानी कि उत्तर प्रदेश, और ऐसा करने वाला ये देश का पहला राज्य बन गया है। सबसे पहले तो हम लोग ये जानते हैं कि पूल टेस्टिंग है क्या। तो पूल टेस्टिंग में 10 पेशेंट्स को लिया जाता है जिन पे ऐसा डाउट है कि वो COVID-19 से संक्रमित हैं। तो 10 पेशेंट्स का एक बार में टेस्ट किया जाता है उनके नमूने लेकर। यदि वो टेस्ट नेगेटिव आया तो ऐसा मान लिया जाता है कि प्रत्येक, यानी कि जो 10 लोग हैं, उन सारे के टेस्ट नेगेटिव हैं, यानी कि वो COVID-19 से संक्रमित नहीं हैं। और यदि उस पूरे टेस्ट का मान पॉजिटिव आ जाता है तो फिर सभी को एक एक करके जांचा जाता है। तो ये काफ़ी अच्छा तरीका है, आसान तरीका है, और ऐसा करने वाला पहला कौन सा राज्य है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के CM कौन है, योगी आदित्यनाथ, और राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस बैंक ने हाल ही में अपने COVID-19 रिस्पॉन्स पैकेज को बढ़ाया है। तो ये बैंक है एशियन डेवलपमेंट बैंक। पहले एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $6.5 बिलियन करने का ऐलान किया था, लेकिन अभी उसे बढ़ाकर $20 बिलियन करने का ऐलान किया है। एशियन डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष हैं मात्सुग अस्कावा। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं दोस्तों। किस राज्य ने सबसे पहले COVID-19 के मरीजों के इम्यून को बढ़ाने के लिए आयुर्वेद का उपयोग किया है। तो ये राज्य है गोवा, और गोवा ऐसा राज्य है जिसने COVID-19 के मरीजों के इम्यून बढ़ाने के लिए एलोपैथी और आयुर्वेदिक का सहारा लिया है, जिसमें उन्होंने जूटे डॉक्टर्स और आयुर्वेदिक डॉक्टर्स की परामर्श के बाद ही ऐसा किया है। गोवा की राजधानी है पणजी। गोवा के CM है प्रमोद सावंत और राज्यपाल हैं सत्यपाल मलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किस पेशेवर गोल्फर का निधन हो गया है। तो इनका नाम है डग सैंडर्स। डग सैंडर्स को उनके चमकीले और तड़क भड़क कपड़ों के लिए पीकॉक ऑफ द फाइव वेज के नाम से भी जाना जाता है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, क्वेश्चन नंबर 6, DRDO ने COVID-19 के नमूनों को इकट्ठा करने के लिए कौन सा कियोस्क विकसित किया है। तो इसका नाम है कॉफ्जैक कियोस्क। तो DRDO का फुल फॉर्म है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, और COVID-19 के नमूना संग्रह के लिए DRDO ने कॉफ्जैक कियोस्क को विकसित किया है। यह
क्योस्क संक्रमण फैलने के खतरे के बिना ही नमूनों को इकट्ठा करने में सक्षम होगा, जो कोविड-19 से निपटने में मदद करेगा। डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, किस राज्य में कोविड-19 के मरीजों को कोबोट रोबोटिक्स भोजन दवाइयाँ दे रही है? तो ये राज्य है झारखंड। तो आपको ये नाम याद रखना है, कोबोट रोबोटिक्स। दरअसल झारखंड में जो कोविड-19 से संक्रमित लोग हैं, तो उन लोगों तक टाइम टू टाइम दवा पहुंचाने के लिए या भोजन पहुंचाने के लिए इन रोबोट्स का सहारा लिया जा रहा है। और इस रोबोट्स को जो नाम दिया गया है वो नाम है कोबोट रोबोटिक्स। नाम किसके द्वारा दिया गया है? तो जिन लोगों ने इस रोबोट को विकसित किया है। किसने विकसित किया है? तो डिस्ट्रिक्ट डिप्यूटी डेवलपमेंट कमीशन ने इसे विकसित किया है। और डिस्ट्रिक्ट डिप्यूटी डेवलपमेंट कमिश्नर हैं, यानी कि DDC हैं आदित्य रंजन। तो आदित्य रंजन और उनकी टीम ने इस रोबोट का नाम दिया है कोबोट रोबोटिक्स। झारखंड के CM हैं हेमंत सोरेन, राज्यपाल हैं द्रौपदी मुर्मू, कैपिटल है रांची और झारखंड का गठन हुआ था 15 नवंबर 2000 को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने कॉमिक पाठ्य पुस्तकों का इलेक्ट्रॉनिक संस्करण लॉन्च किया है? तो ये सरकार है मणिपुर सरकार। कौन सी सरकार है? मणिपुर सरकार। तो मणिपुर सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा क्लास 3, 4 और 5 के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉमिक्स पाठ्य पुस्तकों की शुरुआत की गई है, जिसमें मैथ, इंग्लिश और पर्यावरण के अध्ययन से संबंधित पुस्तकें शामिल है। आप इसे www.manipureducation.gov.in की वेबसाइट पर जाके इसे यूज़ कर सकते हैं। मणिपुर नीति आयोग के स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला छोटे राज्यों की सूची में सबसे टॉप में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गूगल ने लॉकडाउन के दौरान स्थानीय स्तर पर जरूरी सामान बेचने के लिए किस सुविधा की शुरुआत की है? तो गूगल ने लॉकडाउन के दौरान स्थानीय स्तर पर जरूरी सामान बेचने के लिए खुले किराने स्टोर्स की जानकारी देने के लिए गूगल पे ऐप पर नियर बाय स्पॉट लॉन्च किया है। गूगल जल्द ही नियर स्पॉट्स को हैदराबाद, चेन्नई, मुंबई, पुणे और दिल्ली में शुरू करेगा। नियर बाय स्पॉट्स के जो यूज़र्स हैं वो PM केयर्स या फिर फंड सीड्स, गिव इंडिया, यूनाइटेड वे ऑफ चैरिटी एंड फाउंडेशन जैसे NGO को दान कर सकते हैं। गूगल के CEO हैं सुंदर पिचाई और इसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया, USA। दोस्तों ये है आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन है, कोविड-19 के कारण आने वाली वेतन संबंधी शिकायतों को दूर करने के लिए किस मंत्रालय के द्वारा मुख्य श्रम आयुक्त कार्यालय के तहत 220 नियंत्रण कक्ष पूरे देश में स्थापित किए गए? और दोस्तों ये था हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे 15 अप्रैल 2020 का, जिसका आंसर है इंग्लैंड। क्वेश्चन था, मशहूर कॉमेडियन टीम बुक टेलर जिनका निधन नोवन कोरोना वायरस के कारण हुआ, वो किस देश के रहने वाले थे? तो वो इंग्लैंड के रहने वाले थे। गाइज यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।